नहीं, मैं समझता हूँ राजनीति कब की छोड़ के चला गया था। उसमें अगर बहुत बड़ा योगदान किसी का है तो बादल साहब का है, और एक दो चंद लोग और हैं जिनकी बदौलत में ये राजनीति में बना रहा। उनसे कितनी भी तीखी तकरारें हुई, क्योंकि जिस दौर में मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था 12 से लेकर 17, वो तो मेरे ख्याल उस समय इतना ज़्यादा विरोधाभास था, उस समय भी बड़ी तीखी तकरारों के बावजूद उनका मेरी तरफ लगाव, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद वो बना रहा। कभी भी राजनीति हमारे निजी संबंधों के बीच में कभी भी कभी अड़चन नहीं बनी। और वो ध्यान रखते थे, जिस बात का मैं बार बार ये जिक्र करना चाहूँगा, कि जब प्रधानमंत्री आए 2012 में, 12-13 के बीच में जब बरसात बड़ी हुई थी और मालवा क्षेत्र में मुक्सर एरिया में पानी, क्योंकि पहले ही वहाँ पे सेम की समस्या है वाटर लॉगिंग की, तो पानी घुटनों तक खड़ा हो गया, लाखों एकड़ तबाह हो गए। तो गवर्नर साहब ने खाना दिया था प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खाने पे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे मैं 5 मिनट पहले पहुंचा, और बादल साहब मेरे से भी पहले गवर्नर हाउस के वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने, क्योंकि अखबारों में फोटो वगैरह देखी थी, कि जाखिर साहब तुसी भी देख के आए हो उत्थे कितना नुकसान हुआ है उस इलाके से। मैं कहा साडा थोड़ा इको इलाका है, मलोट गिदड़वा सारा वो इलाका जड़ा तबाह हो गया, सेम कर धुआना वो औरत मार सी। तो मैं कहा जी अज बड़ा मौका है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो गल उन्हां नाल करिए। कहिंदा तुसी करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल करूँगा। उन्हां दा बादल साहब का बड़प्पन देखो, जदों प्रधानमंत्री आए ड्राइंग रूम च बैठे, नैचुरली एज ए कर्टसी वड्डे सीगे मुख्यमंत्री सी, उन्होंने उन्होंने गल चालू की। पर बादल साहब ने कहा नहीं, बादल साहब कहते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जाखड़ साहब कुछ कहना चाहते थे पहला। नैचुरली मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिक्वेस्ट की भी साडा जिहड़ा हाल है, तो स्टेट को इन्ना सरमाया है नहीं, साढ़े को वसीले है नहीं, भी असी सेम दे अपने तौर पर हल करिए, तो थोड़ू बेनती है भी साड़ी को मदद करो। उसके बाद बादल साहब ने अपनी गल रखी, उन्होंने भी यही गल कही भी साडा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा उस इलाके का। डॉक्टर मनमोहन सिंह हस के बोले, कहते बादल साहब तजर्बा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है राजनीति से, मेरे नालों बहुत ज़्यादा है, पर मेरा जिन्ना क मैं देखे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, मैं पहली बारी देख रहा भी एक मुख्यमंत्री दे लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों कट्ठे आके इको मसले के उत्ते पैरवाई कर रहे हैं। मैं क्या सर, मैं कोई ना कांग्रेस की गल कर रहा, ना मैं अकालिया की गल कर रहा, ना बादल साहब की, ना सुनील की, मसला पंजाब का है। वो बाद असी खाने पर चले गए, फिर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या करेंगे बाद कुछ दिन बाद फोन आया बादल साहब का मेरे को, कहते जाखड़ साहब उन्होंने कहने का तरीका देखो, उन्होंने तो सीखने वाली गारी गल् कौन सुनील जाखड़ की, उन्होंने सुनील जाखड़ की लड़ सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैसे भी पंजाब कहीं हमेशा खुले गफे रखे, उन्होंने फोन आया कि जाखड़ साहब आप दोनों ने मिल के बेनती की सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुलाया आपां, तो आप चल के पहला डॉक्टर मनटेक सिंह फिर उन्होंने मिलेंगे, तुम चलोंगे नाल आप कट्ठा कम किया। मैं क्या सर तुम मेरे तो हुक्म करो, जो दस दोगे डेट दस दौ मैं हाजिर हो जाऊँगा। कहते अच्छा, मैं फिर तुम्हें इनफॉर्म कर देना कि दिन चलेंगे। फोन रखता वो बाद जो वापरिया ना साहब, वो एक राजनीतिक कहें ना राजनीति का फोन आया 2 मिनट बाद हस के, जिमें कहते क्या चौ साहब तुम हाँ तो करती मेरे नाल चलण दी, पर मेरी थोनू बेनती है, जिमें कहते मेरी बेनती है थोड़ा गौर कर लो, कितने थोड़ा मेरे नाल जान करके राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। मैं क्या मेरा राजनीति कह नहीं, थोड़े वाले पार्टी वाले पहले ही तो डांगा कड़ी फिरते हैं, तो उन्होंने कर देना भी बादलों नाल रले है तो नुकसान हो जूगा को उतों ही नहीं। तुम कहता मैं क्या नहीं सर, मैं एडा को कमजोर नहीं, ना ही मनु को कुर्सी दे, ना ही मैं माई कॉन्शियस इज क्लीयर, पंजाब की गल करनी है ठोक के करांगे जी कुर्सियाँ मैं ठुडे तो रखदा। कहते नहीं तो आप जटा की गल करिए, मैं जो है जी मैं जिस तरह हाजिर हाँ बोल क्या ठीक चलेंगे। असी सब गए डॉक्टर मनटोक सिंह आलूवाल उ, उन्होंने भी यह कहा भी पहली बार अजूबा देख रहे हैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन से चीफ मिनिस्टर कट्ठे आए हैं। 1200 करोड़ रुपये सेंक्शन किए जी से, उस दिन कोई फॉरन डेलीगेशन आ गया वो हो नहीं सकी, पर 1200 करोड़ रुपये सेंक्शन किए वो बादल साहब के मूँह में पंजाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह की फराख दिली में सके, पर मेरे वर्गे बंदे उन्होंने एहसास बादल साहब ने करवाया
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕ ਹੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬ ਕੋਈ ਟੋਕਣੇ ਵੀ ਲਗਤਾ ਥਾ ਉਨਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇਰ ਮੇਂ ਥੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਨੁਕਤਾਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਥੀ, ਤੋ ਕੋਈ ਬੀਚ ਮੇਂ ਬੋਲਤਾ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਥੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚੋਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਏਕ ਹੀ ਦਫਾ ਹੂਆ ਜਬ ਉਹ ਨੀਲੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਨੀਲੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕੋ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਜਬ ਮੈਂ ਬੋਲਾ, ਤੋ ਜਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਰਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਪਣੇ, ਇਹੀ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੋ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ